कई सालों से हमारे देश में कुछ धार्मिक मान्यताएं चली आ रही हैं, जिनका हम आज भी पालन कर रहे हैं। हालांकि कई बार इन्हें अंधविश्वास का नाम भी दे दिया जाता है, लेकिन विज्ञान की माने तो ऐसा होना जरूरी नहीं कि सारी धार्मिक मान्यताएं केवल अंधविश्वास ही हो। कई बार घर के बड़े बुजुर्ग भी हमें इन्हें न मानने पर टोक देते हैं। उदाहरण के तौर पर बाई आंख फड़कने को अशुभ माना जाता है, या फिर अंतिम संस्कार से वापस घर आने पर नहाने की रस्म है। आपको बता दे कि हर मान्यता के पीछे एक खास कारण छुपा होता है, लेकिन समय के साथ लोग उसे अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, जबकि उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इन मान्यताओं के पीछे वो कौन से वैज्ञानिक कारण हैं जिनकी वजह से सालों से इन रिवाजों को माना जा रहा है। भारत में जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसमें शामिल लोग घर वापस आकर नहाते हैं। अब इसके पीछे छुपे वैज्ञानिक तर्क की बात करें तो जब किसी की मौत होती है तो शरीर में कई हानिकारक बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और इनके संपर्क में आने से ये बैक्टीरिया दूसरों के शरीर में फैल सकते हैं। इसीलिए हमें घर वापस आकर नहाना पड़ता है ताकि ये बैक्टीरिया दूर हो जाए, ना कि इसलिए कि कहीं आत्मा घर में ना आ जाए। जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर की घंटी को जरूर बजाते होंगे और आपको लगता होगा कि घंटी बजाने से भगवान खुश होते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक यह है कि ज्यादातर मंदिरों में तांबे की घंटी लगी होती है। तांबे को बजाने पर निकलने वाले साउंड से आसपास में मौजूद छोटे बैक्टीरिया मर जाते हैं, साथ ही उसका साउंड शरीर के सातों केंद्रों को एक्टिवेट कर देता है। तो हमें मंदिर में घंटी जरूर बजानी चाहिए और अंधविश्वास को बढ़ावा ना देकर भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए। अक्सर लोग बुरी नजर से बचने के लिए अपने दुकान या घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगते हैं। कहते हैं कि इससे बुरी नजर का साया पास नहीं आता, साथ ही कोई नेगेटिव एनर्जी पास नहीं आती। लेकिन विज्ञान की माने तो नींबू और मिर्ची में एसिड पाया जाता है जो एनवायरनमेंट को शुद्ध करने में नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है, जो कि कीड़ों को घर में आने से रोकता है। अक्सर नदी में सिक्का फेंककर लोग भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने की दुआ मांगते हैं और ऐसा माना जाता है कि नदी में सिक्का फेंकने से भाग्य मजबूत होता है। लेकिन इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण की बात करें तो पहले के समय में तांबे के सिक्के हुआ करते थे जो पानी को बैक्टीरिया मुक्त करते थे और इसीलिए पानी में सिक्के डाले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे भाग्य चमकाने से जोड़ दिया। पुराने समय में लोग जब व्यापार के लिए बैलगाड़ियों से एक शहर से दूसरे शहर जाया करते थे तो रात के समय में बिल्लियों की आंखें चमकती थी, जिससे गाय, बैल और घोड़े डर जाया करते थे। इसीलिए थोड़ी देर के लिए यात्रा रोक दी जाती थी। इसी आधार पर लोग कहने लगे कि जब बिल्ली गुजरे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए, और यही बाद में अंधविश्वास बन गया। आपने जरूर सुना होगा कि सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है और बाद में उसकी आत्मा बदला लेने आती है, जबकि इस अंधविश्वास के पीछे लॉजिक यह है कि सांप के मरने के कई घंटों बाद भी उसका सिर जिंदा रहता है और काट सकता है, इसीलिए उसके सिर को कुचल कर दबा दिया जाता है। किसी भी शुभ काम पर जाने से पहले घर से दही खाकर निकलना शुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक यह है कि गर्म मौसम में दही खाने से पेट ठंडा रहता है और उसमें थोड़ी चीनी मिलाने से दही एक तरह का ग्लूकोज बन जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज के इस विकसित विज्ञान के युग में अंधविश्वास को बढ़ावा ना देकर साइंटिफिक कारणों को समझें और इस अंधविश्वास के पर्दे को हटाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जल्द ही मिलेंगे एक मजेदार वीडियो के साथ।